मेरठ के बवाल की ये वीडियो आप देख लीजिए, ये वही वीडियो है जिसको लेकर के मेरठ की पुलिस ने बड़ा क्रैकडाउन मेरठ में चलाया है, जिसमें अब तक 54 नौजवान गिरफ्तार हुए हैं और हज़ारों माइनॉरिटी के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो हम इस वीडियो के बारे में आपको बता देते हैं, ये पुलिस के लाठी चार्ज की वीडियो है और इससे ठीक पहले आप देख रहे हैं कि कुछ लोग पुलिस से उलझते दिखाई दे रहे हैं। तो ये वीडियो है फैजाम डिग्री कॉलेज में मेरठ में तबरेज़ अंसारी की लिंचिंग के विरोध में, तबरेज़ अंसारी की लिंचिंग करने वाले आरोपियों को फांसी की सज़ा दिलाने की मांग के साथ एक एहतजाज हुआ था। इसे मेरठ के मुसलमानों की एक युवा सामाजिक संस्था, युवाओं की एक युवा सामाजिक संस्था जिसका नाम है युवा सेवा समिति ने आयोजित किया था। तो पहले तो इस समिति के अध्यक्ष बदर अली ने डिमांड की थी कि हम लोगों को पैदल शांति मार्च निकालने की अनुमति दी जाए, लेकिन एक इशू मेरठ में पिछले 15 दिन से काफ़ी हाईलाइट हो रहा था, पलायन वाला, जिसमें ये बताया जा रहा था कि बहुसंख्यक आबादी का एक मोहल्ला पल्हाट नगर में से बहुसंख्यक आबादी के बहुत सारे लोग वो अल्पसंख्यकों की बढ़ती आबादी से परेशान होकर के पलायन करके चले गए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ये कहा था कि वहाँ वो रोज़गार के कारणों से ये दूसरे कारणों से बेहतर जगह की तलाश में चले गए हैं, वहाँ डर से जाने वाली कोई बात नहीं है। तो चूँकि उस एक मामले को लेकर के शहर अपना आप संवेदनशीलता की ओर पड़ रहा था और मेरठ वैसे भी एक संवेदनशील शहर समझा जाता है, तो इसलिए पुलिस ये डिमांड कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन ये चाह रहा था कि पैदल शांति मार्च की अनुमति वो ना दी जाए। तो बदर अली को ये बताया गया था कि पैदल शांति मार्च ना निकालें। इस बात पर बदर अली जो हैं वो सहमत भी हो गए थे और फैजाम डिग्री कॉलेज में जब सभा हुई तो एक तो बात ये थी कि उम्मीद से कई गुना ज़्यादा भीड़ पहुँच गई। उम्मीद थी कि 3 या 4 हज़ार लोग जुटेंगे, लेकिन अगर हम जानकारों की बात को मान लें तो वहाँ 10 से 15 हज़ार लोग पहुँच गए। दूसरी बात, एक समूह ऐसा था जो 500 या 400 लोगों का समूह था, जो वहाँ पर भी जहाँ ये सभा हो रही थी, प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वहाँ भी नारेबाजी कर रहा था। और उसके बाद जब वो वापस आ रहा था तो वापस आते समय वो नारेबाजी करते हुए वापस आ रहा था, हालांकि वहाँ भी शहर काजी जब बोल रहे थे और बदर अली ने भी माइक हाथ में लेकर के कहा था कि वो इस तरह के नारे ना लगाएं और कोई उत्तेजना की बात ना करें और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएं। लेकिन जब ये लोग लौट कर आ रहे थे तो वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का एरिया पड़ता है और हापुड़ अड्डा की जगह वो है जहाँ से ये लोग पास हो रहे थे, तो वहाँ तक पहुँचे नहीं थे। बुढ़ाना गेट, जली कोठी, बुढ़ाना गेट, छतरी वाला पीर, इंदिरा चौक, ये वो एरिया था जो लगभग 1 किलोमीटर का एरिया था और यहाँ वो पहुँचे थे। मिश्रित आबादी यहाँ बीच में कहीं कहीं पड़ रही थी और बहुसंख्यक आबादी की दुकानें थी, मार्केट थी और बहुत बड़ा बाज़ार था, बुढ़ाना गेट बाजार, मार्केट बहुत बड़ा बाज़ार था। तो सीईओ सिटी दिनेश शुक्ल ने इनको वहाँ रोक लिया और ये रिक्वेस्ट की कि वो लोग इधर से ना जाए। तो कुछ लोगों ने, जो लड़के थे जिन्होंने चेहरा रुमाल से ढका हुआ था, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वे कौन लोग थे। युवा सेवा समिति के लोग तो ये कह रहे हैं कि हमको साफ फंसाने के लिए ये षड्यंत्र हुआ था, लेकिन उन्होंने चेहरे पर रुमाल बांधा हुआ था और सीओ सिटी से उन्होंने मिसबिहेव किया, धक्का मुक्की की और गाली गलौज की और माने नहीं, ज़बरदस्ती उसी एरिया से जाने की कोशिश करने लगे जहाँ से पुलिस उन्हें रोक रही थी। जब बात बढ़ी और पुलिस को ऐसा लगा कि अगर ये मिश्रित आबादी में जाते हैं नाराबाजी करते हुए तो कम्युनल टेंशन जैसी स्थिति क्रिएट हो सकती है, तो फिर लाठी चार्ज कर दिया गया। और ये लाठी चार्ज आप देख रहे हैं, जो लाठी चार्ज आपने भी देखा है, ये वही लाठी चार्ज है जिसके बाद में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू हुआ, मुकदमे लिखे गए। बदर अली जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया था, युवा सेवा समिति के अध्यक्ष थे, उनकी समिति के 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता सिर्फ मेरठ शहर में हैं, हॉस्पिटल वो बनवा रहे हैं, एजुकेशन के फील्ड में काम करते हैं, तो सब एकदम पूरे ये समझ लीजिए कि 54 लड़कों को इसके बाद गिरफ्तार किया गया। रात में क्रैकडाउन करके रात के 8 बजे लोगों ने निकलना घर से बंद कर दिया, परिजनों ने बच्चों के बाहर निकलने में रोक लगा दी और बेइंतहा पुलिस लगा दी गई। मेरठ में बहुत ज़्यादा तनाव हो गया और ऐसी सख्ती जैसे कर्फ्यू में होती है उस तरह की गई और माइनॉरिटी के इलाके एक तरह से पुलिस ने सील कर दिए। तो कल जुमे की नमाज के बाद भी इस तरह का देखने को आया था, तो ये वीडियो आप देखिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको। एक शख्स जो मुसलमान हुआ था वो मदीने आया,
लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फौरन वापस कर दिया, हालांकि वो रो रहा था। वो वापस नहीं करेंगे, ये वादा हालांकि बहुत ज्यादा दबकर था, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पूरा किया। हाँ, ये जो इस रविवार का जो घटनाक्रम था पूरा, जो ये प्रोपेगेंडा प्रायोजित किया गया था बदर अली के द्वारा, इसकी कल हिस्ट्री शीट खोली गई थी, इस पर पुरस्कार भी घोषित किया गया था। आज इसकी स्वापिक्स मॉल के पास से गिरफ्तारी हुई है, मॉल से हुई है, और इसको सदर और दिल्ली गेट की टीम ने किया है। इसको हम लोग न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं रिमांड के लिए, और इसको जेल भेजा जा रहा है। तकरीबन जो इनाम घोषित किया था, 5,000 रुपये का रिवार्ड इस पे कल किया गया था, जो कि इसको देखते हुए इसकी स्थिति के अनुसार पर्याप्त था। अब तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? अब तक इसको लेके कुल हमारे पास जो है 49 गिरफ्तारियां हुई हैं। कल 54 थी, जिसमें से 5 लोग ऐसे पाए गए जो एविडेंस में, जिनकी उपस्थिति यहाँ नहीं पाई गई है, जिनकी नहीं पाई गई है उनको हम लोगों ने बाहर कर दिया, और 49 लोग मुख्य अभियुक्त सहित गिरफ्तार हैं। यार तू भी है, भैया तू भी है, यार किधर फोन लगा हुआ है।